नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन, किसने क्या कहा, टॉप 100 कथन का ये भाग दो है। और भाग फर्स्ट हम पहले ही लेके आ चुके हैं, ये भाग दो है, बहुत ही शानदार है पहले की तरह। दोस्तों, आप अगर इन वीडियो को देख लोगे दोनों को, तो आपके एग्ज़ाम में जो कोई सा भी कथन आएगा ना, इससे अलग नहीं आएगा, ठीक है। और यह जो कथन है NTA UGC नेट हिस्ट्री TGT PGT हिस्ट्री BEO परीक्षा IAS PCS परीक्षा के लिए विशेष ही महत्वपूर्ण है, इसी के लिए बनाई हमने ये। दोस्तों, अगर कोई नेट इतिहास TGT हिस्ट्री PGT हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और उनके नोट्स में PDF लेना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं 8755475312, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य है अब की बार नेट JRFR, हमारा बायोडाटा है PhD इतिहास, एक बार JRF और 4 बार नेट। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके पास में जो ज्वाइन का बटन है उसको भी दबा दें, मेंबरशिप ले सकते हैं PDF लेने के लिए। और उसके पास में जो बेल आइकन, उसको प्रेस करना, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो हमें कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, ये भाग दो है, भाग एक हम पैसे ही लग चुके हैं, तो शुरू करते हैं। शूद्र वर्ग में आर्य एवं अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग सम्मिलित थे। आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के फलस्वरूप समाज में उदित हुए श्रमिक वर्ग को ही सामान्य संज्ञा शूद्र हो गई, यह कहा है डॉक्टर RS शर्मा ने, ठीक है। RS शर्मा, डॉक्टर रामचंद्र शर्मा, उनकी जो किताब है प्राचीन भारत की। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, बहुत ही फेमस। दोस्तों, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा TGT PGD हिस्ट्री या नेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, ठीक है। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, ये कहा गया है अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते, ठीक है, यह कहा गया है मुंडकोपनिषद से, यह भी फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अस्तो माँ सद्गमे, यह लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है, यह जो कथन है। अगला देखते हैं, आर्यों का आदि देश भारत का ब्रह्मा ऋषि देश था, यह कहा है गंगानाथ झा ने, ठीक है। गंगानाथ झा ने कहा है सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल निवास है, यह कहा है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया है, यह कहा है मैक्समुलर ने 1859 में कहा है। आर्यों का मूल निवास बैक्ट्रिया है, यह कहा है जे जी रीड ने 1820 में ईरानी ग्रंथ जैन द अवस्था के आधार पर कहा है उन्होंने। अगला देखते हैं, अगला है आर्यों का आदि देश हंगरी अथवा डेन्यूब घाटी है, यह कहता है गाइल्स मौर्य ने। आर्य तिब्बत के मूल निवासी थे, यह कहा है दयानंद सरस्वती ने, यह भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास था, यह भी एग्जाम में आ चुका है, यह कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। सिंधु सभ्यता के अंत का मुख्य कारण विशाल पैमाने का जल पिलावन था, यह कहा है MR सैनी ने। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ था, यह कहा है मैके एवं मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, यह कहा है RL स्टाइन ने। सिंधु सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ, यह कहा है जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण से हुआ, यह कहा है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। मेसोपोटामिया प्रेरक है सिंधु सभ्यता की, यह कहा है व्हीलर ने। अगला देखते हैं, अगली है संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है तथा मैं उसके सुख की कामना करता हूँ, यह कहा है अशोक के प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में, ठीक है, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख।
अगले देखते हैं कथन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। किसने कहा है? यह कहा है स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है स्टुअर्ट पिगट महोदय ने। अगला कथन देखते हैं, यद्यपि यूनानी मलेच्छ हैं किंतु वे ज्योतिष के विद्वान हैं, इसलिए प्राचीन ऋषियों की भांति पूज्य हैं। यह कहा है बराहमिहिर में व्रत संहिता में। ठीक है, बराहमिहिर ने कहा है व्रत संहिता में, इनकी कृति है। अगला देखते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान ग्रहणी है। यह कहा है गार्गी संहिता में, ज्योतिष ग्रंथ में कहा गया है। अगला कथन देखते हैं, अरुणम यवन साकेतम अरुण दयम मध्य का दिन, अर्थात यवनों ने साकेत और मध्यमिका को रोट डाला। ये कहा है पतंजलि ने महाभाष्य में। यवन आक्रांता साकेत पांचाल और मथुरा को जीतते हुए कुसुम्भ ध्वज पाटलिपुत्र के निकट जा पहुँचे थे। यह कहा है गार्गी संहिता में युग पुराण खंड में। वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। यह कहा है मीसांसा दर्शक के अनुसार कहा गया है इसको। अगला देखते हैं, राजा को राज्य कार्य में मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ अकेला पहिया नहीं चल सकता। यह कहा है कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट देखते हैं, सभी संस्कार विवधर्मा हैं, प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध द्वारा कहा गया अंतिम उपदेश था ये। न आरंभ है न अंत, न स्थिरता न अस्थिरता, न एकता है न अनेकता, केवल अनारंभ मात्र है जो शून्य का पर्यायवाची है। यह कहा था नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत में। हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घंटी यंत्र या तुला यंत्र द्वारा होती थी। बाण भट्ट ने कहा है हर्षचरित्र में। अनुलोम विवाह की संतान माता की जाति की तथा प्रतिलोम विवाह की संतान पिता की जाति की होगी। यह कहा है मेधा तिथि ने। अंतजियों के अंतर्गत कोलों पुष्कर एवं बरात जातियां थीं। अगला देखते हैं, कुछ तो कुछ आपको कम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, परंतु है ये महत्वपूर्ण, मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान देना आप। और एक दो कुछ थोड़े से दिक्कत होंगे, उसके बाद में सही आएंगे। जब पृथ्वी पर राक्षस का आतंक बढ़ गया तो महर्षि वशिष्ठ ने इनके विनाश के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से प्रतिहार परमार चौहान चालुक्य की उत्पत्ति हुई। चंद्रवाई कृत जो है पृथ्वीराज रासो में ये कहा गया है राजपुत्र की उत्पत्ति के संबंध में। हर्ष महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अन्य धर्मों का आदर नहीं करता था। यह कहा था हिंसवांग ने। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तकाल का वही महत्व है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीन युग का है। यह कहा था डॉक्टर बर्नेट ने। अगला देखते हैं, कौड़ियों द्वारा दैनिक लेन देन किया जाता था। यह कहा है फायान ने गुरुकाल के संदर्भ में। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था प्राक सामंती व्यवस्था थी। यह कहा है प्रोफेसर राम शरण शर्मा ने। अगला देखते हैं, समुद्रगुप्त युद्ध और विजय के लिए प्यासा नहीं था बल्कि उसके चरित्र का एक और शिष्ट पक्ष था काव्य और संगीत के प्रति लगाव। ठीक है, यह कहा है प्रयाग प्रशस्ति में। भारत की रत्नों की एकमात्र जननी है। सबसे महंगी वस्तुओं में की महर्षि जन्मदात्री कहा, यह कहा था प्लिनी ने। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीतता था जिसमें भारत रोमन
राजकोष से 10 करोड़ सेस्टियर रोमन सिक्का ने लेता हो। ग्रीक इतिहासकार प्लिनी ने रोम से भारत आ रहे सोने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा था, ठीक है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया राजतरंगिणी के अनुसार। मिनांडर आक्रमण करता हुआ पाटलिपुत्र और गंगा नदी तक पहुंच गया। इसके राज्य की सीमाएं स्वात घाटी इजारा जिला पंजाब की राजधानी तक फैली थी, स्ट्रैबो ने कहा है। ये संगम साहित्य की रचना तथा उसका संकलन ईसा पूर्व की तीसरी से छठी शताब्दी के मध्य रखा जा सकता है, यह कहा है रामशरण शर्मा ने। संगम साहित्य 500 ईस्वी के मध्य में रचा गया, यह कहा है श्रीनिवास अयंगर ने। संगम साहित्य का रचनाकाल 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य है, यह कहा है नीलकंठ शास्त्री ने। केवल बर्बर, मलेच्छ एवं अनार्य आर्य में शूद्र भी सम्मिलित हैं ही दास बनाए जा सकते हैं, यह कहा है अर्थशास्त्र में। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था। व्यवसाय परिवर्तन भी संभव नहीं था, केवल ब्राह्मणों को व्यवसाय परिवर्तन का अधिकार आपातकाल में था, यह कहा है मेगस्थनीज ने। बड़ी मंत्री परिषद रखना राजा के हित में होता है, यह कहा है कौटिल्य ने। पुष्यमित्र की राज्य क्रांति मौर्य तचार के विरुद्ध मौर्य द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का ऐसवीकरण था, यह कहा है निहार रंजन राय ने। अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का कारण बनी, यह कहा है हेमचंद्र राय चौधरी ने। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक की धार्मिक नीति साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण थी, यह कहा है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने। अगला देखते हैं, हर क्षण और हर स्थान पर चाहे वह रसोई घर में हो, अंतपुर में हो अथवा उद्यान में हो, मेरे प्रतिवेदक मुझे प्रजा के कार्यों के संबंध में सूचित करें, यह कहा है अशोक का छठा शिलालेख में कहा गया है। अगला देखते हैं, अपने जीवन के अंतिम काल में उसे यानी कि अशोक को केवल आधे आंवले पर निर्वाह करना पड़ा, दिव्यावदान, ठीक है। अशोक के धम्म का मूल स्रोत बौद्ध धर्म ही था, ये कहा है डी आर भंडारकर ने। अगला देखते हैं, धम्म की कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, परंतु धम्म की बातें पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई हैं, ये कहा है रोमिला थापर ने। लेखों में वर्णित अशोक का धम्म उस समय के बौद्ध धर्म का एक पूर्ण तथा सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करता है, ये कहा है फ्रांसीसी विद्वान सेनाट ने। अगला देखते हैं, अशोक के धम्म के तत्व विश्वजनीन हैं, हम उस पर किसी धर्म विशेष के प्रति प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान करने का दोषारोपण नहीं कर सकते, यह कहा है रमा शंकर त्रिपाठी ने। अगला देखते हैं, धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति है, वस्तुत अभिलेखों में विहित धम्म सभी धर्मों का सार था, यह कहा है फ्रीट महोदय ने। अगला देखते हैं, सभी संप्रदाय सभी स्थानों में रह सकते हैं क्योंकि सभी आत्मसंयन और भाव शुद्धि चाहते हैं, यह कहा है अशोक का सातवां अभिलेख में कहा गया है। अगला देखते हैं, देवताओं का प्रिय धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है, अशोक का 13वां शिलालेख धम्म विजय की चर्चा में कहा गया है। नेक्स्ट, कश्मीर में अशोक ने विजयेश्वर नामक एक शैव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसके भीतर दो समाधियां निर्मित करवाई थीं, यह कहा है राजतरंगिणी में। अगला देखते हैं, मनुष्य को अपने धम्म का आदर तथा दूसरे को अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय की भी वृद्धि करता है तथा दूसरे संप्रदाय का उपहार करता है।
यह कहा है अशोक का 12वां शिलालेख में कहा गया है ये। अगला देखते हैं, अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की, यह कहा है सीली अनुश्रुति में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रजा के सुख से में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में उसकी भलाई। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकार नहीं वरन हितकर है, जो प्रजा को अच्छी लगे। यह कहा है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने कहा है ये। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को जम्बूद्वीप का सम्राट बताया महावंश के अनुसार, ठीक है। संपूर्ण भारत उसके यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था, यह कहा है जस्टिन ने। चंद्रगुप्त ने संधि करके और अपने पूर्वी राज्य को शांत करके सेल्यूकस एंटीगोनस से युद्ध करने चला गया, यह कहा है जस्टिन ने। सिंधु नदी पार कर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध छेड़ा, अंत में दोनों में संधि हो गई तथा दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, यह कहा है एपियानस ने। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य स्वार्थ सिद्ध नामक क्षत्रिय राजा का पुत्र था। मुद्रा राक्षस पर ढूंढी राज की टीका में कहा गया है। अगला देखते हैं, हिंदू भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदू कुश पर्वत थी, यह कहा है स्मिथ ने। अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार जमा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 600,000 सेना के द्वारा संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया, ये कहा है प्लूटार्क ने। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह था, ये कहा है जस्टिन ने। भारत में 7 जातियाँ हैं, मेगस्थनीज कृत इंडिका में कहा गया है, ठीक है। भारत में दास प्रथा नहीं है, यह भी मेगस्थनीज की इंडिका में कहा गया है। अगला देखते हैं, मोक्ष का उपाय ज्ञान नहीं अपितु भक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है, यह कहा है रामानुज ने। नेक्स्ट देखते हैं, अन्यायी राजा को प्रजा दंड दे सकती थी तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर सकती थी, यह कहा है अथर्ववेद ने। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, बार बार पराजित होने के पश्चात सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि राजा विहीन होने के कारण ही हमारी पराजय होती है, अतः उन्होंने सोम को अपना राजा बनाया और पूर्ण युद्ध किया, इस बार उनकी विजय हुई, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये कहा गया है। विदेह मानव ने वैश्वानर अग्नि को मुंह में धारण किया, धरत का नाम लेते ही वह अग्नि पृथ्वी पर गिर गया, सब कुछ जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा, पीछे पीछे विदेह माधव एवं उसका उनका पुरोहित गौतम राहुगण चला गया, सत्यपथ ब्राह्मण ने कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये। मैं कभी हूँ, मेरा पिता वैद है और मेरी माँ अन्न पीसती है, वैदिक ऋषि अंगिरस ने ऋग्वेद के नवे मंडल में कहा है। अगला देखते हैं, राष्ट्र राजा के हाथों में हो तथा मरुत बृहस्पति इंद्र एवं अग्नि उसे दृढ़ बनाएं, यह कहा है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं बाजुओं से क्षत्रिय, बाहुओं से जंघाओं जो बाजू होते हैं दोस्तों कंधा जो, ठीक है, जंघाओं से वैसे पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, ऋग्वेद दशम मंडल में पुरुष सूक्त सूत्रों का प्रथम उल्लेख इसमें किया गया है। सिकंदर ने संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन लोगों से सुनकर किया था, ठीक है, सुनकर किया था, स्ट्रैबो ये कहता है। मिस्र तथा बेबीलोनिया के समान भारत में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व एक सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तिशाली सभ्यता तथा संस्कृति थी, प्रोफेसर चाइल्ड महोदय ने कहा है। इस्लाम की राजधानी से भेजे गए वस्त्रों आभूषणों एवं उपहारों को उसके पुत्रों तथा अमीरों आदि ने ग्रहण किया, मिन्हाजुद्दीन सराज ने कहा है तबकात नासरी में इल्तुतमिश के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता है
तब खुदा का बंदा होने के नाते भला मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूँ। यह कहा था फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फिरोजे फतुहात फिरोजे शाही में। नेक्स्ट है संसार वेद है और सृष्टि कुरान। यह कहा है प्रसिद्ध कवि सूफी संत रजब ने, ठीक है, रजब ने कहा ये। नेक्स्ट देखते हैं मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। यह कहा है बर्नियर ने। जमीन का एक टुकड़ा लेकर जब कृषक कृषि कार्य प्रारंभ करता है तो कर की अत्यधिक वसूली के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वह कृषि कार्य को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। यह कहा है बर्नियर ने। आगे देखते हैं शाहजहां। दोस्तों ये जो कहा था शाहजहां के शासनकाल के अंतिम समय का वर्णन करते हुए बर्नियर ने कहा था 1600 ईस्वी में भारत की आबादी 10 करोड़ थी। दोस्तों ये भी आ चुका है एग्जाम में WS मोरलैंड के अनुसार, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है 1600 ईस्वी में भारत की आबादी 10 करोड़ थी। यह एक वफादार पत्नी का अपने स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक अथवा एक वफादार बीवी का अपने पति के लिए महबूबाना पेशकश थी, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में कहा गया है। ये अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, अमीर खुसरो ने कहा है। ये मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। सर जदुना सरकार शिवाजी के संदर्भ में ये कहा था। नेक्स्ट देखते हैं आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यह कहा था अंतिम अंगल सिख युद्ध के समय में, ठीक है, 12 मार्च 1849 में शस्त्र समर्पण करते हुए एक वृद्ध सिख ने कहा था। मराठों का तेवर इस मराठा शासक की मृत्यु के बाद शिथिल पड़ गया। कर्नल पामर ने कहा था, जो तत्कालीन पूना में अंग्रेज रेजिडेंट था, ने नाना फडणवीस के संदर्भ में कहा था। अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे तहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें, नाना साहब ने। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी फ्रांस के सम्राट को लिखा था ये। अगला देखते हैं, मैं मानता हूँ कि अंग्रेज उद्योगपति केवल इसलिए भारत में रेले बिछाना चाहते हैं कि वे रुई और अन्य कच्चा माल अपने कारखानों के लिए कम खर्च पर प्राप्त कर सकें, किंतु यह रेलवे उद्योग भारत में आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत होगी। कार्ल मार्क्स ने कहा है। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा, महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस की कराची अधिवेशन के दौरान 1931 में। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग द्वारा डाली गई परेशानियों से ऊब कर। नेक्स्ट है, अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं, आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है और उसके प्रयोग करने की हालत में है, मोहम्मद अली जिन्ना ने ये शब्द कहे थे। और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने शब्द कहे थे ये 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा के दौरान कहे थे। अगला देखते हैं, अब तो सत्ता दुर्जनों बदमाशों और लुटेरों के हाथ चली जाएगी, जो आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर बहस के दौरान। नेक्स्ट है, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म उसे ईश्वर की ओर ले जाते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ये नेक्स्ट है, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही ने कर सके उसे महात्मा जी ने कर दिया, उन्होंने शांति कायम कर दी। यह कहा है लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, भाग्य चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश करेगा, मगर किस प्रकार का भारत वे छोड़कर जाएंगे, कितनी भयंकर गरीबी होगी, जब शताब्दियां पुराने प्रशासन का प्रभाव सूख जाएगा तब वे किस प्रकार का बेकार कीचड़ व गंदगी अपने पीछे छोड़कर जाएंगे।
यह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, हम अल्पसंख्यकों की संख्या के लिए प्रतिबंध हैं किंतु अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, लॉर्ड एटली ने कहा था। अगला देखते हैं, यदि मुझे अकालियों जैसे 100,000 स्वयंसेवक मिल जाएं तो मैं एक वर्ष के अंदर देश के लिए स्वराज्य जीत लूँगा, यह कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं, मैं हर बार इस देश में जन्म लूँ तथा तब तक हर बार फ्रांसीसी के फंदे पर झूलता रहूँ तब तक कि मेरा देश आज़ाद न हो जाए, यह कहा था करतार सिंह ने। दिल्ली चलो को नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, बहुत फेमस है। याद रखना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बहुत कड़वी होगी, यह कहा था लॉर्ड मार्ले ने कहा था मिंटो को पत्र में, यानी कि लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखा था, उसमें कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस ने देश की एकता के लिए सदैव बहुत कुछ किया है, आज हमारे सामने दो ही मार्ग हैं, 3 जून 1947 की योजना की स्वीकृति अथवा आत्महत्या, यह कहा था गोविंद बल्लभ पंत ने। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस सने सने लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायक बनूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस भारतीयों के एक सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था ये। अगला देखते हैं, यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही ठीक है ताकि शरीर के अन्य भाग में जहर न फैले, सरदार पटेल ने ये कहा था। अगला देखते हैं, जब वे यानी कि मुस्लिम लीग के लोग हमारे साथ रहने को तैयार ही नहीं थे तो हम क्यों और कैसे विवश कर सकते थे हम उन्हें, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला देखते हैं, मुझे लगता है कि जो भी तोड़फोड़ हुई है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं, महात्मा गांधी 23 सितंबर 1942 को ये कहा था। अगला सवाल है, कांग्रेस जनों को यह समझना होगा कि प्रस्तावित आंदोलन पिछले सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की तुलना में अधिक तीव्र और विस्तृत हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है, युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर दिया था, हमें सिर्फ वादों पर निर्भर कर इसे खोना नहीं होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की यह नीयत कभी नहीं थी कि भारत को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाए, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, अन्य देशों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के दूसरे उपाय भले ही हों परंतु भारतवर्ष के लिए अहिंसात्मक आंदोलन के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है, यह कहा था महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। नेक्स्ट देखते हैं, इस तथ्य से आंख मूंद लेने से कोई लाभ नहीं है कि हम एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं, यह कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने कहा था, इसका अर्थ है स्वशासन साम्राज्य में यदि संभव हो तो, यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी, ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, मुझे लगता है सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, स्मरण रहे जमींदारों को हमें अपना मित्र बनाना है, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट, क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, भगत सिंह ने कहा था, अदालत में दिया गया उनका कथन था जब उन्होंने जो बम कांड किया था बट्टू किशोर के दत्त के साथ में, तब उनको अदालत में पेश किया गया, तब उन्होंने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट है, मुख्य बात यह है कि जनता का सामाजिक व आर्थिक मुक्ति हमारा लक्ष्य होगा, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। नेक्स्ट,
हम युद्ध तभी सफल हो सकता है यह युद्ध तभी सफल हो सकता है जब हमारा समर्थन जनगण और नियमित सेना करे। गदर पार्टी। नेक्स्ट, शक्तिशाली जर्मनों के साथ मैत्री संबंध की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति में लाभदायक होगी, यह कहता मादम कामन है। नेक्स्ट, प्राधीनता की गिलानी जब जब असहाय हो उठी तब तब सभी देशों में देश प्रेम का प्रकाश आतंकवाद के रूप में दौड़ पड़ा, भूपेंद्र नाथ दत्त ने कहा था। नेक्स्ट, देश के लिए स्वराज्य परमावश्यक है, सुधार और उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते, लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन पक्का और जोशीला साम्राज्यवादी था, उस साम्राज्य को भावना से कोई उसे स्वराज्य की भावना से कोई सहानुभूति नहीं थी और न जनता के सहयोग में विश्वास था, उसका आदर्श था तानाशाही शासन, यह कहा था रमेश चंद्र दत्त ने। अगला है, 20 वर्ष तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद हमें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए, यह कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, वे ने तो भारतीय समाज के रईसों का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही विशेष संपर्क या सहानुभूति जनसंख्या के विराट अंश हैं, लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था, यानी कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में कहा था। नेक्स्ट है, इनमें से यानी कि उदारवाद की कार्य पद्धति से पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा मिला है, कुछ लोगों को देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर मिला है, लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट, यह एक ऐसे लुटे हुए देश की अवस्था है जहां लुटेरा लगातार लूट रहा है और फिर साफ बचकर निकल जाता है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अगला है, यदि कोई भारतीय इस प्रकार अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ करने के लिए आगे आता भी तो सरकारी अधिकारी उसे अस्तित्व में ही न आने देते, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, कांग्रेस की स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि इससे आसन्न क्रांति की संभावना मिट जाएगी या उसका खतरा टल जाएगा, रजनी पामदत्त ने कहा था। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य कारण इसके जन्मदाताओं की साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की चिंता थी, लाला लाजपत राय ने कहा था। अगला है, आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक है, गुलामी खुदा की मंशा के खिलाफ है, भारत आज़ाद होगा और इससे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। नेक्स्ट है, सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, होम रूल भारत का अधिकार है और राजभक्ति के रूप में उसे प्राप्त करने की बात कहना मूर्खतापूर्ण है, भारत राष्ट्र के रूप में अपना न्यायिक अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य से मांगता है, इस बारे में किसी का कोई गलत धारणा नहीं होनी चाहिए, यह कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, यदि सरकार आज मुझे कहे कि स्वराज्य ले लो तो मैं उत्तर दूंगा उपहार के लिए धन्यवाद, परंतु मुझे ऐसा कुछ स्वीकार नहीं है जो मैं अपने बाहुबल से मैं लिया हो, यह कहा था विपिन चंद्रपाल ने। नेक्स्ट है, भारत के दुखों और बुराइयों का एकमात्र उपचार स्वशासन है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अगला है, भारत के हिंदुओं और मुसलमान उठो भाइयों, उठो, परमात्मा के सभी वरदानों में स्वराज्य ही उसका दिया हुआ सर्वोत्तम वरदान है, जिस शैतान ने उसे हमसे छल से लूट लिया है, देखें कब तक उसे संभाल सकता है, यह कहा था बहादुर शाह जफर ने। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक चुनाव
पासे का एक खेल होगा जिसमें एक आदमी के हाथ में चार पासे होंगे व दूसरे के हाथ में सिर्फ एक, सैयद अहमद ने कहा था। अगला है, इस समय कांग्रेस की हालत निश्चित तौर पर गड़बड़ है, जनता के बीच अब उसकी पकड़ नहीं रही है, ब्लिंटन ने कहा था। नेक्स्ट है, आम जनता को जिस माध्यम से पढ़ा जा सकता है वह माध्यम लोगों की क्षेत्रीय भाषाएं ही हो सकती हैं, कैप्टन कैंडी ने कहा था। नेक्स्ट, आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल हैं और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। नेक्स्ट है, महारानी की करोड़ों जनता में से कोई अन्य लोग इतना अजभक्त नहीं जितने भारतीय शिक्षित लोग, बद्रुद्दीन तैयबजी ने कहा था। नेक्स्ट, मृत तथा दफनाए या जलाए जा चुके लोग हमेशा के लिए मारकर दफनाए या जलाए जा चुके हैं, अतः मुर्दा अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, महादेव गोविंद नारायण ने कहा था। और हमारा लास्ट है दोस्तों, हमारा मत यह नहीं है कि सत्य कभी सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी स्थापित धर्म सत्य हैं, केशवचंद्र सेन ने कहा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर देना, जिसके आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।